हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अ गेट रेडी विद मी वीडियो। और आज मेरा बर्थडे है तो मैंने सोचा कि एक गेट रेडी विद मी वीडियो भी शूट कर लूँ, क्योंकि मैं अब तैयार होऊंगी डिनर के लिए। अगर आप कोई पिंक ड्रेस पहन रहे हैं, कहीं पार्टीज में जा रहे हैं, किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, डे नाइट और कुछ भी, मतलब कोई प्लान है, तो अगर आपकी कोई पिंक या वाइट कलर की कोई ड्रेस है, लाइट कलर, तो आप इस जो मैं मेकअप आपको बताने वाली हूँ आप ट्राई कर सकते हो। और आई थिंक ये आपके लिए यूजफुल रहेगी वीडियो। लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सबसे पहले मैं प्राइमर यूज़ करने वाली हूँ। एक्चुअली मेरा प्राइमर ख़त्म हो गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा है तो मैं अब उसको यूज़ करूँगी। मुझे नया प्राइमर लेना पड़ेगा। सो गाइज, मैं अपने टी जोन पे ज़्यादा फोकस करूँगी, जिससे मेरे पोर्स वगैरह ज़्यादा फील हो जाए और यहाँ पे एकदम ब्राइटनेस लगे मेरे फेस पे। तो मैं लाइटली अपने फेस को रब करूँगी प्राइमर लगाने के बाद। और आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइमर लगाने के बाद 2 मिनट तक वेट करना है, उसके बाद ही आप अप्लाई करो फाउंडेशन, मूव, जो भी आपको यूज़ करना है। जब मैं ये इन कलर का फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ, पाउडर से अपने मेकअप को सेट करूंगी। न्यूट्रल लगे इसलिए मैं ब्राउन और ब्लैक शेड मिक्स करके यूज करती हूँ। हाइलाइटिंग किट से अपना आई मेकअप करूंगी, ज़्यादा हार्श ना लगे, जिससे बिल्कुल लाइट मेकअप लगेगा इससे। और आई शेडो को की तरह भी यूज़ कर सकती हूँ इसको मैं। गाइज, मैंने अपना आई मेकअप कर लिया, लाइट है मुझे पता है, लेकिन मेरे ख्याल से जंपसूट के लिए एकदम परफेक्ट है लाइट मेकअप। मैं ब्राउजिंग करने वाली हूँ, ब्राउन शेड लेके डार्क ब्राउन यूज करूंगी मैं। आई थिंक ब्लेंड हो गया सही से। काजल लगाऊंगी, नियॉन का काजल है ये, बिल्कुल परफेक्ट ब्लैक काजल है ये। ब्लश लगाने वाली हूँ, ये भी स्विस ब्यूटी का है। मैं मस्कारा लगाऊंगी, हम लेट हो रहे हैं, मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। मैं आपसे अब मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, दिस इज माय फाइनल लुक।
मुझे बताना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा बाय बाय।